हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, लेकर आया हूं आज की नई जानकारी। चलते हैं जानकारी की तरफ। आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली है। जाने स्नान व दान का महत्व और कृतिका नक्षत्र का संयोग। हाँ तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के समीप स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन कृतिका नक्षत्र होने की वजह से यह कार्तिक पूर्णिमा महाकार्तिकी बन गई। 27 नवंबर दिन सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा बहुत पवित्र तिथि है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। इस दिन किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। इस दिन गंगा स्नान और सायंकाल में दीप दान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के दिन सायंकाल भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस कारण इसमें ये दान का जपादि 10 यज्ञों के समान फल होता है। इस वर्ष कृतिका नक्षत्र होने से यह महाकार्तिकी बन गई है। रोहिणी नक्षत्र होने से रात्रि में इसका पुण्य फल और भी अधिक बढ़ जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन से महादेव त्रिपुरारी के नाम से भी जाने जाते हैं और इस तिथि को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ शाम के समय चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति भी मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं, उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को सुबह ही सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सायंकाल देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों और तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाए जाते हैं और गंगा जी को भी दीपदान किया जाता है। काशी में यह तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला। चंद्रा नारायण व्रत की समाप्ति भी आज के दिन होती है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के समीप स्नान के लिए सहस्त्रों नर नारी एकत्र होते हैं, जो बड़े भारी मेले का रूप बन जाता है। सिख धर्मावलंबी इस दिन
गुरु नानक जी की जयंती का उत्सव मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में प्रसिद्ध मेला लगता है। इस दिन लोग दूर दूर से आकर सरोवर में स्नान करते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन और पूजन करते हैं। पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का पुराना मंदिर है। इसके अतिरिक्त पंजाब के अमृतसर में भी स्वामी राम तीर्थ का विशाल मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर नानक देव का जन्मदिन। कार्तिक पूर्णिमा पर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है। इस पर्व पर सभी गुरुद्वारों में विशेष पूजा प्रार्थना होती है। प्रभात फेरियों, नगर कीर्तनों के अतिरिक्त दिल्ली में विशाल जुलूस निकलता है, जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से आरंभ होकर गुरुद्वारा नानक प्याऊ पर जाकर पूर्ण होता है। मार्ग में जगह जगह जुलूस का भव्य स्वागत जल फल एवं विशाल लंगरों से होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा वीडियो। तो दोस्तों, मेरा समय समाप्त होता है, मिलता हूँ कल अगली जानकारी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।